नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल की सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना दाल नमकीन बनाने की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जिसे आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार के जैसे बनेंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। आपको भी यदि बनाने हैं चना दाल नमकीन, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देख के समझ लिए। एक बार अच्छे से वीडियो समझ जाएंगे ना फ्रेंड, तो बार बार आप नमकीन घर में ही बना के रखना चाहेंगे। चना दाल नमकीन के लिए हमें चना दाल दो तरह का होता है। एक थोड़ा छोटा साइज का होता है और एक थोड़ा सा दाल उसका जो होता है ना, बड़ा बड़ा सा होता है। तो आप, ये देसी चना का दाल है, तो इसके लिए इसका साइज आपको छोटा छोटा सा लग रहा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। आपके पास जो भी चना दाल है, आप उससे नमकीन बना के तैयार कर सकते हैं और महीनों स्टोर कर सकते हैं। जैसे बाजार वाले नमकीन महीनों रखे तो खराब नहीं होता है, वैसे ही ये नमकीन भी खराब नहीं होगा। क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है, सो आपको ऐसा तरीका बता दूंगी ना, एक सामग्री इसमें आप डाल के बनाएंगे तो ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। आप यहाँ पर चना दाल जितना आपको चाहिए होगा नमकीन के लिए, उतना आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा, कभी कभार होता है कि इसमें लकड़ी रहता है, जो दाल का होता है ना डंठल, वो रह जाता है, या कंकड़ पत्थर, ये सब आप चेक कर लीजिए। उसके बाद डालना है इसमें पानी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके की अच्छी अच्छी सी रेसिपी आपको घर बैठे बनाने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ज़्यादातर नमकीन पापड़ चिप्स की ही रेसिपी लेके आती हूँ, तो आप हमारे सारे वीडियोस को देख पाएंगे। इसके लिए छोटा सा घंटी दिया हुआ है ना, उसको भी एक बार क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से मल के दाल को साफ करना है। जो दाल बाजार वाले हैं तो इसमें पॉलिश वगैरह तो होगा ही, तो इसके लिए इसको अच्छे से साफ करना है। इसका जो पॉलिश है वो निकल जाए तो ये खस्ता बनता है। तो देखिए, अभी पानी गंदा हो गया है, तो पानी को चेंज करके फिर दूसरा पानी इसमें डालेंगे और तीन बार इसी तरीके से पानी चेंज करके इसको साफ करेंगे। तीन से चार बार भी आप इसको साफ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दाल को अच्छे से चार पानी से धोई थी तब जाके ये साफ हुआ है। अभी इसमें भर देना है पानी, अच्छे से ऊपर तक भर के इसमें पानी डालिएगा, क्योंकि दाल जब फूलेगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि दाल कम है, लेकिन जैसे जैसे ये फूलेगा ये ज़्यादा होगा। और दाल अच्छा हल्का बने, खस्ता बने और हमारा नमकीन जो है लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए इसमें डालना होगा हमें बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा। तो इतना सा डालेंगे, दो कप दाल के लिए इतना सा इसमें मीठा सोडा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, तो ये छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच के जितना इसमें डालना है और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देना है, जिससे कि बेकिंग सोडा सारे दाल में लग जाए। और इससे क्या होता है कि दाल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और जब आप इसका नमकीन बनाएंगे तो वो नमकीन बहुत ही क्रिस्पी होगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरीके की पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, मी सहेली पापड़ रेसिपी। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं बना के डाली हुई हूँ। अभी तक आपने पापड़ नहीं बना के स्टोर किया है तो हमारे वीडियो को देखें और पापड़ बना के स्टोर करें, साल दो साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अभी क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसे पूरे रात के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से फूलेगा, जितना अच्छा से दाल फूल के एकदम सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा हमारा नमकीन बनेगा। कम फूला हुआ जो दाल रहता है तो वो नमकीन जब आप खाएंगे तो वो कड़ा लगेगा। तो इसको पूरा रात के लिए छोड़ देती हूँ और फिर अगले सुबह आपसे मिलती हूँ। देखिए, यहाँ पर पूरे रात के लिए दाल को छोड़ी थी फूलने के लिए, अब अगले सुबह आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से झाग आ चुका है, ये मीठा सोडा की वजह से आया है। और दाल जो है, एक एक दाल फूल के देखिए एकदम डबल हो गया है। शुरू का दाल आप देखे होंगे कि इतना छोटा छोटा सा लग रहा था, अभी ये कितना अच्छा से बड़ा हो गया। हल्का सा नाखून से आप टच करके देखें, दाल बहुत ही अच्छा से फूल गया है और एकदम खस्ता हो गया है अंदर तक। मीठा सोडा जो है हमारे दाल को एकदम हल्का कर देता है। अभी फिर से इसको मल मल के हमें साफ करना है। इसमें बिल्कुल भी मीठा सोडा का अंश ना रहने पाए, नहीं तो आपके जो
नमकीन है उसका स्वाद खराब हो जाएगा सोडा के वजह से। तो शुरू में ही दाल को साफ करके डाली हूँ, तो अभी हमें फिर से इसको साफ करना है। देखिए, जब तक इसका पानी जो है चिपचिपा सा आपको लगेगा और इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए, एकदम सफेद ना हो जाए, तब तक हमें दाल को धोते रहना है। देखिए, फिर से इसमें पानी डालना है और इसी तरीके से करके 3 से 4 बार हमें दाल को अच्छे से मलमल के साफ करना है। तो जितना अच्छा से आप दाल धो के तैयार करेंगे, उतना ही खस्ता और उतना ही अच्छा स्वाद वाले नमकीन बन के तैयार होते हैं। एक पानी से इसको और धोएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब पानी अच्छे से क्लियर आपको दिखने लगे, एकदम साफ सुथरा, तब तक आप दाल को साफ कीजिएगा। इससे क्या होगा, इसके अंदर जरा सा भी कोई चीज का अंश नहीं रहेगा। अब दाल को, सारे दाल को हमें निकाल लेना है छन्नी पे। आप कोई भी छन्नी पे इसको निकाल लीजिए, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है, सारे पानी निकल जाए। दाल के नमकीन बनाने के लिए ये सब छोटे छोटे से बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तो आपके दाल के नमकीन बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे, बाजार से भी ज्यादा टेस्टी, क्योंकि होममेड है। इसमें आप अपने मनपसंद का मसाला ऐड कर सकते हैं। अच्छे से पानी को निकलने देंगे थोड़ा देर के लिए, इस तरीके से हल्का सा हिला ले, जिसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब यहां पर कोई भी आप कॉटन कपड़ा ले ले और इस पे दाल को डाल देना है, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी अच्छे से सूख जाए। दाल को बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है, दाल को इतना देर सुखाइए, पंखा चला के आप इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ सकते हैं सूखने के लिए, जिससे इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है, जैसे अभी दाल को टच करने से देखिए हाथ में कितना चिपक रहा है। जब दाल सूख जाएगा तो ये जब आप टच करेंगे तो हाथ में चिपकना नहीं चाहिए, बस इतना ही सुखाना है, बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है इसको। आप चाहें तो इसको थपथपा के दूसरा कपड़ा ऊपर डाल के और इसको थपथपा के भी सुखा सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो। थोड़ा ही देर में ये दाल अच्छा तैयार हो जाता है नमकीन के लिए। तो जब तक हमारा दाल हल्का सा फरफरा होता है, यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा पानी पानी है, सारा इसका नमी खत्म होता है, तब तक चलिए इसका मसाला तैयार करके रख लेती हूँ। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर पैन चढ़ाई हूँ, कुछ मसाले को भून के डालूंगी और मसाले ऐसे ही डालूंगी। तो इसमें डालना हमें 1 चम्मच सौंफ। आप नमकीन कितना बना रहे हैं उस हिसाब से मसाले बना लीजिएगा, चाहे तो ज्यादा भी बना लीजिए। कोई भी चिप्स पर, नमकीन पर इसको डाल के खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ये है खसखस, पॉपी सीड्स। अब 1 चम्मच वो भी डालेंगे और दोनों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे, बस इतना ही भूनिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जले ना। बहुत ही स्पेशल मसाले वाले आज मैं आपको नमकीन बना के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप घर में ही आज से नमकीन बना के रखना शुरू करेंगे और ये बहुत जल्दी हो जाता है, भुन जाता है। देख पा रहे हैं, पॉपी सीड जो है खसखस या पोस्तो दाना, इसे जो नाम से आप जानते हैं जान ले, हल्का फुल्का ये चटकने लगा है। तो अभी कर देंगे गैस को बंद और मसाले को ठंडा होने देंगे और बाकी का इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब मसाले को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके साथ ही डालेंगे कुछ बाकी का मसाला, जिससे हमारा नमकीन और भी ज्यादा स्वादिष्ट बने। तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, काला नमक और सादा नमक दोनों ही डालना है हमें इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। साथ में डालना है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर भी आएगा और तीखापन भी आएगा। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आप डाल सकते हैं, उससे तीखा नहीं होगा और कलर बहुत प्यारा सा आएगा आपके नमकीन के ऊपर। थोड़ा सा डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चीनी, चीनी से खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। और इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, आपके पास नहीं है तो जब आप मसाला भून रहे थे उसी समय में थोड़ा जीरा भी डाल के भून लीजिएगा। साथ में डालना है हमें काली मिर्च का पाउडर,
थोड़ा सा। अब डालेंगे चाट मसाला, अब इसमें डालना है अमचूर पाउडर एक चम्मच के जितना, अमचूर पाउडर इसमें डाल दीजिए। फ्रेंड्स आपको इसमें से जैसे इतना सारा मसाला नहीं बनाने का मन है, आप बना के नहीं इतना मसाला डालना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, चाट मसाला और एक्स्ट्रा नमक आपको खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा नमक और चाट मसाले के साथ भी आप नमकीन को सिंपल सा बना सकते हैं। और यदि बाजार के फ्लेवर वाले नमकीन चाहिए तो आपको इतना मसाला का तैयारी करना ही होगा। अब सारी चीज को डाल देना है मिक्सर जार में और अच्छे से इसको पीस लेना है, जिससे कि मसाला जो है मिक्स हो जाए एक दूसरे में और इसका कलर भी बहुत प्यारा सा चढ़ जाए। मसाला पहले ही आपको बना के रखना होगा, क्योंकि जब दाल गर्म रहेगा उसके ऊपर ही हमें मसाला गर्मा गर्म में डालना होता है। तो इसके लिए जब दाल सूख रहा है उसी समय में आप मसाले बना के तैयार कर लें। और देखिए कितना ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार मसाला बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आने वाला है। अभी मसाला को रख लेते हैं साइड में और दाल को चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर दाल भी सूख चुका है जितना हमें सुखा के लेना है। हल्का सा दाल को जब छुइएगा तो देखिए हाथ में ये पानी पानी सा नहीं लगना चाहिए, बस इतना ही दाल को आपको सुखाना है। देखिए हाथ में ये चिपकना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सुखा देंगे तो फिर ये नमकीन जो है हार्ड लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल में अभी कुछ भी मिक्स नहीं करना है। दाल के नमकीन बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा और गैस के फ्लेम को हाई रखना है। थोड़ा दाल डाल के पहले देख लेते हैं, तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल गर्म हो चुका है, पहले डाल ले, डायरेक्ट दाल को तेल के अंदर नहीं डालना है और तेल बहुत ज्यादा नहीं लीजिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा झाग बनेगा। आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा झाग बन रहा है, क्योंकि दाल में नमी रहता है इसकी वजह से। धीरे धीरे से करके सारे दाल को तेल के अंदर छोड़ देना है। और इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे कि दाल चारों तरफ से बराबर से फ्राई हो। दाल जैसे जैसे फ्राई होगा सारा तेल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, देख पा रहे हैं। इसको अच्छा खस्ता होने तक फ्राई होने देना है। जब दाल फ्राई हो जाएगा तो तेल एकदम से शांत हो जाएगा और ये अच्छा आवाज करेगा। देखिए अब ये खस्ता हो चुका है, अब सारे दाल को निकाल लेना है। फिर दोबारा से तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें दूसरे बार वाला दाल डालेंगे। फिर उसी तरीके से इसमें छन्नी में डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सारे दाल को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। जब दाल गरम गरम आप निकालते हैं इसके ऊपर ही मसाला को डालते चले जाए थोड़ा थोड़ा करके, और दाल जो है बहुत ही ज्यादा खस्ता है। मैं आपको दो दाल लेके और तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार हुआ है और ये अभी गरम है। टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे तो जो इसमें एक्स्ट्रा तेल रहता है सारा इसमें आ जाता है। तो फिर अब इसके ऊपर से जब ये गरम गरम है तो इस पर मसाला डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जिसमें आप दाल फ्राई किए हैं उसी तेल में आपको कड़ी पत्ता भी फ्राई करके इसमें डाल देना है, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अच्छे से मसाला डालिएगा तो यहाँ पर देखिए बनके तैयार है हमारे चने दाल की नमकीन। और कड़ी पत्ता को भी फ्राई कर ली हूँ, बहुत अच्छा ये खस्ता हो चुका है, इसको भी इसमें डाल ले और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और महीनों स्टोर करके आप इसको खाइए, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा और ये खराब भी नहीं होता, होममेड है। आप इसमें अपने मनपसंद का मसाला ऐड किए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।